हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े लीडर हैं ये। ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका नेटवर्क मार्केटिंग में, और आज इन्होंने हमारी ट्रेनिंग अटेंड की, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो पहले तो राजेश जी अपने बारे में थोड़ा बताएं, नाम बताएं, कहाँ से हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और नाम है राजेश कुमार और बिलोंग करता हूँ, प्यारा सा गांव है खासा माजन, अगरवा के नज़दीक है। 98 में मैंने इस इंडस्ट्रीज में आने का फैसला नहीं किया था, किसी साथी ने इस इंडस्ट्रीज में कुदा दिया। जब मैंने एक लीडर की क्लास अटेंड की तो उस समय मुझे बताया गया कि इस इंडस्ट्री से आप वो चीज़ें पा सकते हो जो आप सपने भी नहीं सोच सकते। उनके कहने से, उनके सुनने से कूद गया और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 20 साल मैंने इसमें लगाए। काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा, हर बिजनेस का उतार चढ़ाव देखा, जी लेकिन अब वो 20 से 22 साल की इंडस्ट्रीज का अपना जो टाइम है वो, और आज का जो ये सेशन है, दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो आज का जो दिन है वो बहुत भारी पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा प्रतीत होता है, असली जो आज है इस इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को सिर्फ उस की ओर मोड़ा जाता है कि वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, बट वहाँ वो चीज़ें नहीं मिल पाती। लेकिन इस एक ट्रेनिंग ने ऐसा मोड़ दिया जीवन में कि मैं आपसे तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू राजेश जी। राजेश जी कुछ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए ये हमारा पेड ट्रेनिंग है, सबको मालूम है कि ये पेड है, ये फ्री नहीं है, हर ट्रेनिंग फ्री नहीं हो सकता है ना। तो क्या लगता है कि आपने जो फी यहाँ पे की, आप ऑलरेडी देखिए खुद लीडर हैं, और एक नेटवर्कर लीडर को सिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रेनर को ट्रेन करना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग तो ऑलरेडी ट्रेनर हैं इस इंडस्ट्री के, तो कहाँ लगता है कि पैसा वसूल है, या पैसा खराब हुआ, या टाइम खराब हुआ, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं सर, मैंने तो एक ही चीज़ आज देखी और सीखी है कि हर इंसान को, बेशक वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करे या ना करे, अपना खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और अपने जितने भी जानकार साथी हैं इस ट्रेनिंग का हिस्सेदार उनको बनाइए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेहतरीन योग्यताएं हासिल कर सके। थोड़ा सा और बताइए राजेश जी, इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा आपको क्या पॉइंट लगा, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर, मैं मेरी रिलेटेड ही बात करूँगा कि आपने मुझे बताया मेरा बेसिकली काम है वो सिलाई का है, टेलरिंग का है, तो जहाँ से मैं सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए ही अर्न कर सकता हूँ साल के अंदर, मैंने यहाँ देखा कि मेरी यहाँ एक ऐसी एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन करके, और लाखों नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज़ें मैं आसानी से सेल कर सकता हूँ, और इसके बदले में मुझे इतना बड़े रेवेन्यू जनरेट होगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। एक आम आदमी की बस की बात नहीं होती, उससे भी बहुत ऊंचे लेवल की ये चीज़ें यहाँ सीखने को मिली। राजेश जी, जैसे कि हम लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ कोई भी छोटा मैन्युफैक्चरर आके हमारे साथ ब्रांड पार्टनर बन सकता है, और अपने प्रोडक्ट को जो है हाईएस्ट पीक पे ले जा सकता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पोजीशनिंग कर सकता है अपने ब्रांड की, तो क्या वो सही है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपार संभावनाएं हैं वो पा सकते हैं, और यहाँ आने के बाद में वो चीज़ें आम से आम आदमी अपना छोटा सा छोटा व्यवसाय यहाँ से शुरू कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो राजेश जी आप मुझे बस इतना सा बताएं कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं इस समय, क्या आप उन्हें राय देना चाहेंगे, क्या उन्हें ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या बहुत जल्द कर लेनी चाहिए? मैंने करीबन 1 महीना गंवाया, मैं चाहता हूं कि कोई भी साथी 1 महीना न गंवाए, मुझे आज अफसोस होता है इस चीज़ का। और मैंने जो चीज़ें सीखी इस दौरान जितने भी साथी हैं, एक बार ट्रेनिंग का हिस्सा है वो जरूर बनिए, जरूर बनिए, ताकि अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। देखो, कोरोना काल के अंदर जब भी हमने बिजनेस को देखा, कोरोना काल के बाद में कोई भी 10 हज़ार का जो बिजनेस है वो स्टार्टअप करने में सक्षम नहीं रहा,
यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप शुरू कर सकते हैं। दुकानदारी या मार्केट की इतनी जो हालात है वो खस्ता है सर, देखने को तो किसी के पास में जाएंगे वो कहेंगे भाई ठीक है अच्छा चल रहा है, बट अंदर की जो आत्मा है ना, अंदर की आत्मा है वो बोलती है सर क्या बताऊं कैसा दिन गुजर रहा है, जी एजेंटों के भुगतान नहीं हो पाते, दुकान का किराया समय पर नहीं जा पाता, और इतना एफर्ट्स करने के बाद में भी दुकान से जो जनरेट होना चाहिए वो पैसा जनरेट नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजेश तो जी आप। राजेश जी एक छोटी सी दो चार बातें और कर लें, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इस लाइन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस, तो ऐसा तो नहीं क्योंकि गन पॉइंट पे आपसे ये सब कुछ बुलवाया जा रहा है नहीं ऐसा नहीं नहीं सर, ऐसा ओके गन पॉइंट पे रखने की कोई बात नहीं है, ओके। यहाँ आके मैंने देखा है सर। जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर आप ये ट्रेनिंग में आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपना पैसा जो है ट्रेनिंग के बाद भी वापस ले सकते हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं सर मुझे पैसे की भूख नहीं है, इस ज्ञान की जरूरत है जो जीवन ज्योति जला सकते हैं और हम अपने साथियों को आगे नए जीवन में जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, आपका, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।